वन्य जीव और मानव जीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को देखते हुए वन विभाग ने एक सेल गठित की है जिसका नाम मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ रखा है। इस प्रकोष्ठ का काम मानव और वन्य जीवों के मध्य होने वाले संघर्ष को रोकना और उससे होने वाली हानि के कारणों का पता लगाना, साथ ही वन्य जीवों के हमले में घायल और मृतकों को कैसे और कितना मुआवजा दिया जा सकता है इस पर फैसला लेना है। साथ ही इस तरह के इसका परीक्षण करना और डेटा तैयार करना भी, जिससे सभी तरह की जानकारी हासिल की जा सके। इस सेल में 7 सदस्यीय टीम है जो प्रतिदिन इस पर काम करेगी ताकि एक रिकॉर्ड बनाकर इसके लिए बेहतरी के काम किए जा सके ताकि इसको रोका जा सके। उसमें एक मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन सेल जिसको हम बोल रहे हैं। तो उसको उसका आशय यह है बनाने का कि उसमें जितने भी हमारे पास अभी तक केसेस आते थे तो उसका एक एनालिसिस नहीं हो पा रहा था। तो जैसे भी केसेस जितने भी आ रहे हैं उसका एक डाटा एनालिसिस के लिए, उसमें ये देखने के लिए कि क्या ट्रेंड आ रहे हैं ओवर द ईयर्स, मतलब ये जो हमारे संघर्ष के केसेस हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, कौन कौन सी प्रजाति ऐसी है जो मुख्य रूप से जो है इसके लिए जिसके केसेस हो रहे हैं, और जो अनुग्रह धनराशि की धनराशि दी जाती है उसकी धनराशि देने में, और जो वन्य जीव हैं उसका उस संघर्ष के निवारण में हम क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसका अनुश्रवण करने के लिए जो है एक सेल बनाया है। तो इसमें हमारे सेल में जो है 7 सदस्य टीम काम कर रही है और प्रतिदिन जो भी केस होता है या हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिलता है उस पर हम लोग जो है यहाँ से संबंधित प्रभागों से, प्रभागीय वनाधिकारियों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं और एक डाटा एनालिसिस और एक जोनेशन मैपिंग भी आगे करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चले जाएगा कि हमें अपने एफर्ट्स को किन प्रभागों में, किन क्षेत्रों में जो है केंद्रित करना है।